घर में दम घुट रहा था इसलिए यहाँ पर आना पड़ा गुस्सा ठंडा करने। एक हलवा नहीं हो गया, मेरे जान का दुश्मन हो गया। अरे प्यार से भी तो बोला जा सकता है ना। सरू क्या सरू, इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, 50 तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं। अरे तो वहाँ से ले आओ ना अपनी मरी हुई बीवी के लिए हलवा। लेकिन नहीं, सब मुझसे करवाना है। क्या क्या क्या, तुझसे करवाना है? अरे सोच के तो बोल, मैं कोई कम मेहनत नहीं करती। सारा दिन हम दोनों ही लग रहे थे खुश करने के लिए जी को, समझी? हाँ दीदी, हमारा कहने का मतलब वही था। यहाँ एक हलवाई ने इतना सता रहा है और मुझे वो एजी हलवाई जो कि कुछ करने ही नहीं देता है। सोचा था इस फैमिली में आऊंगी शादी करके तो इनके रेस्टोरेंट को 6 से 8 महीने में अपने कुराफाती दिमाग से कहां पहुंचा दूंगी। दुर्गा दी के हस्बैंड के बजाय मैं हेड बनूंगी बिजनेस की। खैर छोड़ो ये सब बातें। सरू तेरी प्रॉब्लम आज नहीं तो कल तो सॉल्व हो ही जाएगी। कभी मेरे बारे में सोचा है? शादी को 2.5 साल हो गए लेकिन आज भी कभी इनको प्यार से अपने करीब बुलाओ ना तो पता है क्या कहते हैं? बोलते हैं बेबी बू, पापा से पूछ के आता हूँ, अगर टाइम हुआ तो रोमांस करेंगे। मतलब रोमांस पापा से पूछ कर। अगर आज एक सास होती ना तो तीसरे बच्चे की डिमांड रखती होती, लेकिन यहाँ यहाँ तो हमारा एक भी बच्चा नहीं, क्योंकि इनके बच्चे तो इनसे अब तक डरते, हिटलर बने बैठे हैं हिटलर। सोच रहे थे एक सास आ जाती तो हमको इस चीज से मुक्ति मिल जाती, लेकिन नहीं। गलत गलत, तुम दोनों की सोच ही गलत है। तुम दोनों बार बार ये क्यों भूल जाते हो कि एजे के लिए एक जीवन साथी ढूंढने से ज्यादा जरूरी है इस घर के लिए हमारे लिए एक सास ढूंढना, एक सास जो इस घर को एक साथ बना के रखे, जो हम सबको हमारे हिस्से का मान दे सके, सम्मान दे सके। एजे गलत नहीं है, अकेले हैं वो, उनका ये अकेलापन उन्हें खा रहा है, मार रहा है उन्हें, और इससे निपटने के लिए वो रोज अंदर ही अंदर एक लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी अपने रेस्टोरेंट में ज्यादा वक्त बिताकर तो कभी हम तीनों को हमारी गलतियों की सजा देकर। अंतरा माजी की जगह कोई नहीं ले सकता। बिल्कुल सही कहते हैं एजे। एजे के लिए बीवी लाना इसलिए जरूरी है ताकि वो खुद का काम खुद करे और देखे। हम क्यों भूखते ये सब? दुर्गा दी आपको अभी ऐसा लगता है कि एजे मान जाएंगे? दुर्गा दी आप क्या कह रही हो, हमको इस पचड़े में पड़ना ही नहीं है। आपको तो बस सांस लाने की पड़ी हुई है, एजे के गुस्से का क्या? हम बता रहे हैं ऐसे कुछ नहीं होने वाला। दिया ना, अब तो सांस भी गई और सांस भी। अरे पहले तुम गिरी या मैं? अरे आप लोग चुप करो और सरू तू सुन, अपना एमपी दिमाग लगा और बचाओ हमको यहाँ से। हाँ हाँ, अरे तुम दोनों घबराओ मत, भगवान किसी ना किसी को तो भेज ही देगा। हाथ दीजिए अपना। मेरा कैलकुलेशन कहता है कि इसे नहीं हो पाएगा। अरे सुनो, जाकर किसी और को बुलाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे रहने दे रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। तुझसे नहीं हो पाएगा बिटिया। सही कहते हैं लोग, तुझसे नहीं हो पाएगा। जले पर नमक लगा रहा है। रहने दे, मैं ठीक हूँ। वैसे भी पार्टी में काफी तमाशा कर चुका है तू। आपको इन तीनों को रोकना चाहिए था, बल्कि आप खुद ही इनके साथ मिलकर मेरे पीछे पड़ गए। कैसी बचकानी सोच है ये? तेरी सोच तो बहुत बढ़िया है,
उन तीनों पर तू गुस्सा निकालता है और वो तीनों अपने पतियों पर गुस्सा निकालती हैं। बस यही होता रहेगा इस घर में। गे लिया मैं जानती हूं अंतरा की जगह तू किसी को नहीं दे सकता। तू इसलिए नाराज है ना मुझसे कि मैंने उन तीनों का साथ दिया। ये देख, याद आया कुछ? बचपन में तू हमेशा मेरी पीठ पर बैठा करता था, तेरे पापा लाख कोशिश करे पर तू नहीं मानता था और पूरे घर का चक्कर भी लगवाता था, तब हो जाता था। लेकिन अब मैं तेरा ये बोझ नहीं उठा सकती। कैसा बोझ माँ? तेरे इस अकेलेपन का बोझ, ये खाली घर का बोझ। देख, तू मुझे एक बहू और अपनी बहू को एक सास दे दे, बस बेटा इसमें गलत क्या है? अरे तू मान क्यों नहीं जाता? नहीं मानना मुझे। आप लोग सब जो चाहे बोले जा रहे। मैं बचपन में आपकी पीठ पर बैठा करता था क्योंकि आप मुझे संभालते थे। मुझे भरोसा था आप पर क्योंकि आप मुझे समझती थी माँ। लेकिन अब शायद आप नहीं समझते ना। मैं तुझे आज भी अच्छी तरह समझती हूँ बेटा, इसीलिए कहती हूँ कि शादी करने में कुछ गलत नहीं है। ये जो तेरी बहुएं हैं ना, अगर तेरे लिए इतना परेशान होती हैं, तो इनकी सोच की इज्जत कर बेटा। पर तू है, जब देखो मुंह उठाकर उन पर फटकार लगा देता है। गलत है ये। आपका ये अकेलापन दूर करने के लिए हमें एक अच्छी सी सांस दे दीजिए प्लीज। अरे सुनो, जाकर किसी और को बुलाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, हमसे तीन बातें है ना, कभी मत बोलिएगा। पहली कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, दूसरी कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, और तीसरी कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमसे सब हो पाएगा, सब। अब हाथ दीजिए अपना। हो चुका होगा और हम कह रहे हैं ना, हमसे इस बार हो सकेगा। अब हाथ दीजिए अपना, दीजिए। सरू, बात तो सही कह रही है, मरना तो है, क्यों ना इसको हाथ देके ही मर जाते। पकड़ ले, पकड़ ले, दीजिए। लगा नहीं था ये लड़की हमारी जान बचा पाएगी। कहा था ना, दोबारा मत कहना कि हमसे नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा अंतरा।
जो ये लोग चाहते वो कभी नहीं। Just hate her. पार्टी में जो तुमने कलेश किया और जो एजे के साथ किया उसके बाद हमें लगा नहीं था कि हम तुम्हें धन्यवाद कहेंगे, पर जिस बहादुरी के साथ आज तुमने हमारी जान बचाई है उसके लिए बहुत बहुत। ये देखिए केले का छिलका, हम इस पर फिसले थे। कितने गवार लोग होते हैं ना, कोई यहाँ फेंकता है खाके क्या? इनके माँ बाप ने कुछ सिखाया हो तो ना। ए, हमारे माँ बाप पर मत जाइए, माँ बाप ने हमें बहुत मैनर्स सिखाए हैं। हमने केला खाया था उस समय हमारा मूड ऑफ था, मूड ऑफ की वजह से हमने छिलका यहाँ फेंक दिया होगा, वरना सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं हम। मतलब ये केले का छिलका तुमने फेंका? हाँ, अभी बताया ना सच सच। असल में ना हमारी ही गलती है कि हमसे झूठ बोला ही नहीं जाता। हमारी मम्मी भी ना हमें राजा हरिश्चंद्र का फीमेल वर्जन बताती है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के बाद। बिल्कुल सही कहती है तुम्हारी माँ, तुमसे पहली बार मिलकर ही पता चल गया था कि कैसी लापरवाह किस्म की लड़की हो तुम। उनकी भी तो यही टेंशन होगी ना, जो लड़की खुद को नहीं संभाल सकती वो शादी के बाद किसी और का घर क्या संभालेगी। और क्या, जब से तुम्हारी शक्ल देखी है साढ़े साती शुरू हो गई है। अभी अगर गिर जाते ना तो 206 की बजाय 1760 हड्डियां टूट जाती तुम्हारी ये दो पैसे के केले के छिलके के चक्कर में। तुम्हारा कुछ ना कर पाना ना तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुबारक हो। आज तो तुमने शक्ल दिखा दी है, आईना कभी मत दिखाना। बड़ी आई अमीर लोग भी ना बड़े ही बदतमीज होते हैं। एक तो इनकी जान बचाए और ऊपर से अरे गुड्डन मुझे ही सुना के चली गई। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें अपना चेहरा दिखाने का। एक तो ये तीनों ऊपर से इनके घर का वो खड़ूस अंकल, सब एक जैसे हो तुम। एजे ने बुलाया है, उठिए उठिए उठिए, एजे ने बुलाया है। एजे क्या बे आ रही हूँ। रात के 3 बज रहे हैं, कोई भी जरूरी बात एजे के अलार्म से जरूरी नहीं है। उठिए चलिए, टेलीफोन की घंटी नहीं है, एजे का अलार्म है, उठिए जल्दी। ये लीजिए चप्पल, चलिए। क्या बकवास है, पार्टी के वक्त रेस्टोरेंट, सोने के वक्त ये नया तमाशा। वरदान कहाँ है? इसी वो तो मेरे दिल में, मेरा मतलब जी। आया पापा, आया आया आया। अरे तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? एजे आप सोए नहीं अभी तक, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? घर की घंटी बंद है जी। तो 3 दिनों से बंद है, आप में से किसी के पास 20 मिनट नहीं है घंटी ठीक करवाने के लिए? मैं कल सुबह उठते ही ठीक करवा दूंगी। और कल सुबह से पहले कोई भी अगर आए तो वो ये सोचकर वापस लौट जाए कि हमने उसके लिए दरवाजा खोला ही नहीं। बड़ी बड़ी महफिलें आप तीनों करना सीख गई हैं, घर के छोटे मोटे पर जरूरी काम करना भी सीख लीजिए। पर पापा इतनी रात को कौन आएगा? Thank you.
जब तक घर की घंटी ठीक नहीं हो जाती किशोर और वरदान पहरा देंगे, डोरबेल का काम करेंगे। हाय हाय कैसे हैं? पहले तो इतना काम कराते कि पति टाइम पर घर पे ना आ पाए और जब आते तो चैन से सो भी नहीं सके। अब बेबी बू मैं तुम्हारे लिए काली कॉफी बना के लेके आती हूँ, उससे ना तुम्हें नींद नहीं आएगी। अरे बस रहने दो यार, तुम आदत पड़ चुकी है इन चीजों की। अरे गलतियां तुम लोग करती हो और भुगतना हमको पड़ता है। सॉरी वरदान। अरे छोड़ो भाभी, कोई बात नहीं, आप जाके आराम करो, हम देख लेंगे। क्या दीदी, एजे को कभी चैन क्यों नहीं मिलता है? गलती हमारी है सरू, आज एजे का बर्थडे है, इसका मतलब कल की सुबह उनके लिए अपने आप खास हो गई। इसी दिन का तो इंतजार करते हैं वो चाहते हैं कि वो दरवाजे से वापस लौट ना जाए। अच्छा 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 अच्छा, अब समझ में आया। कल तो इसी की सास आने वाली है ना, वो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन। हाँ हाँ, कल का दिन तो बहुत खास है एजे के लिए, एक अलग इतिहास रचने वाला है कल का दिन, और ये बात तो तय है। दरवाजे की घंटी ठीक हो गई है जी। दुर्गा बहू, मेरे लिए अगर कुछ भी आता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी मैं आपको खबर कर दूंगी। एजे, भगवान करे आज आपका दिन बहुत शुभ हो। मेरा मन कह रहा है आज जरूर कुछ शुभ होने वाला है। एक बात तो साफ है, जब भी एजे मरेंगे ना तो या तो इनका एक्सीडेंट होगा या फिर इनका मर्डर, क्योंकि दिल का दौरा तो इनको पढ़ ही नहीं सकता। दिल के दौरे के लिए दिल का होना जरूरी होता है ना, मतलब एक बार प्यार से झूठ मूठ लाड़ दिखा के पूछ लेते हम यहाँ क्या कर, या हम रात भर से सोए हैं कि नहीं सोए। लेकिन लक्ष्मी जी, ये क्या हमारा ख्याल करेंगे, इनको तो अपने बेटों पर भी लाड़ नहीं आता। पूरी रात अपने बेटों को चौकीदार की तरह खड़ा रखा और सुबह सुबह जल्दी काम पे भेज दिया। ये हमारे ससुर जी हैं, अगर इनके लिए 1760 अच्छे काम भी कर दो ना, तब भी इनका हमारे साथ सा का सुर कभी नहीं लगेगा। बिल्कुल सही कहा, सा का सुर तभी लगेगा जब हमारे लिए एक सास और एजे के लिए एक जीवन साथी आएगी। तेरे मुंह में घी शक्कर। अरे मेरा अक्षत ऐसा तो नहीं था, वो भी हंसता था, मुस्कुराता था और कहता था जिंदगी भी तो ऐसी ही होती है, एक दिन पिघल जाएगी, इससे पहले कि पिघल जाए अरे चुस्की मार के मजे लेने चाहिए जिंदगी के हर रस के। चल बेटा, अक्षत के लिए कान्हा जी से प्रार्थना करें। मेरे अक्षत को पहले सा यही बना सकता है। वो कहते हैं ना, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो यही रास्ता दिखाता है। दुर्गा बहू, चल मंदिर चलते हैं, गरीबों को प्रसादी बांटते हैं, और लला को तो मैंने बोल ही दिया है, वो सीधा वहां पहुंच जाएगा। दी, ये क्या कारनामा करके आ रहे हो सुबह सुबह? चुटकी, मेरा ना बहुत दिमाग खराब हो रखा है। अरे लेकिन हुआ क्या? होना क्या था? तूने क्या बोला? गुड्डन दी, आपसे तो सब हो सकता है। मैंने सोचा आज अच्छा दिन है, जन्माष्टमी का दिन है, मंदिर जाती हूँ और कान्हा जी को माखन चखा कर आती हूँ। फिर जैसे ही मैं मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहुँची, मैंने देखा घंटी तो इतनी ऊपर है, हाथी नहीं पहुँच रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि बजाऊं कैसे। फिर मेरी नजर पड़ी एक स्टूल पर, फिर मैं उस पर चढ़ी घंटी बजाने, और तभी मुझ पर पंडित जी की नजर पड़ी, और पंडित जी ने बोला तुम्हारा दिन बहुत ही शुभ जाएगा गुड्डन बिटिया। पंडित जी का आशीर्वाद मिला और मैंने जोर से जाके घंटी बजाई। घंटी बजी थी कि उधर स्टूल की टांग टूट गई, मेरा बैलेंस बिगड़ा और मैं जोर से चिल्लाया, और मेरे चिल्लाने से पता किसकी पूजा खराब हो गई? उस अंकल की,
वो वहां अपनी तीनों बहुओं के साथ आया हुआ था, फिर क्या मुझे ज्ञान देने लगा। दिखाई नहीं देता क्या? मंदिर है, कोई डिस्को नहीं, ऐसी कोई चिल्लाता है क्या यहाँ? मैंने बोला सॉरी अंकल, गलती हो गई, आपकी पूजा में विघ्न पड़ गया ना। तो कहता गलतियों और गलती करने वालों से मुझे नफरत है। और फिर तभी उसकी एक बहू बोलती है, तुम्हें तो 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, सद्बुद्धि मिलेगी। फिर उसकी दूसरी बहू बोलती है, और अपने घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए, जहाँ जाती हो गड़बड़ करके आती हो, बेवकूफ कहीं। मेरा ना दिमाग बहुत गर्म हो गया छुटकी। और फिर मैं तम तम आते हुए मंदिर की सीढ़ियाँ उतर ही रही थी कि सामने से पता नहीं कहाँ से एक बकरी, और उसे देख के मेरा बैलेंस बिगड़ा, और फिर जो रोड पे कीचड़ था ना उसमें बस करो दी। अच्छा आप नहा धो के कपड़े बदल लीजिए, फिर हम दोनों जाके माखन खिलाएंगे, ठीक है? हाँ, और वैसे भी मुझे कहीं जाना है, फिर मैं तैयार हो जाती हूँ। कहाँ? आके बताते। दी आपसे हर चीज गलत होती है जानती हूँ, लेकिन आज ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके लाइफ में कुछ खास होने वाला है। इसमें थोड़ा काला नमक ऐड करो, फ्लेवर्स और अच्छे से निकल के बाहर आएंगे। तुमने इसे धीमी आंच पर नहीं पकाया ना? मीठा आज अच्छा बना। शुक्रिया। ये बताइए आप किससे मिलने जा रहे हो? बॉयफ्रेंड से मिलने? बॉयफ्रेंड प्लीज, जिससे मैं मिलने जा रही हूँ किसी का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता। हे तो अंकल, मुझे लगता है कि अपनी उम्र में भी खड़ूस ही रहा होगा। तेरे केक के पैसे लेने जा रही हूँ। पैसे? हाँ पैसे। सुनो ना, छोड़ो ना, क्या करना वहाँ जाके? माँ ने बताया कैसे लोगे वहाँ पे, और आप जाओगे फिर कोई ना कोई पंगा हो जाएगा। अंकल के पास जाकर पैसे तो मैं लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई जरूरत नहीं है ना वहाँ जाने की। कितना बोलती है ना तू, ये देख कल रात तेरी बहन ने एक नई शुरुआत की है। ये कैसे हुआ? कल रात खाड़ी पर गई थी ना, वहाँ तीन लोगों की जान बचाई। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, पर फिर मुझे तेरी बात याद आ गई। भले ही मुझे मुझ पे भरोसा हो या ना हो, पर मेरी छुटकी का तो मुझ पे भरोसा है ना, तो कैसे तोड़ देती वो चौलिया तीनों को। कौन तीन लोग? अरे वो उनके थे, वो सब छोड़। मुद्दे की बात ये है कि अब तेरी गुड्डन दी कुछ भी कर सकती है, एक एक करके ना सब ठीक कर देगी, और शुरुआत करेगी अपनी छुटकी के हाथ से। भाई अब चाहे खाओ या लगाओ, हमने तो केक डिलीवर किया था ना, और उस केक में तेरी मेहनत और पैसे दोनों लगे थे, तो तू यही रुक और तेरी गुड्डन दी तेरे हक के पैसे लेके आती है। मम्मी, मम्मी अब आप गुस्सा छोड़ दो, आई प्रॉमिस कि मैं आज के बाद आपको कभी ऐसा नहीं लगने दूंगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं आज से पुरानी गलतियां सुधारूंगी, बल्कि कोई नई भी नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। और ये चमत्कार कैसे होगा? कैसे मानूं कि तू वहां जाएगी और कोई गलती नहीं करेगी? मम्मी बस आप यूं सोच लो कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था गलती, उससे कल रात मेरा ब्रेकअप हो गया, तो अब मैं वहां पे जाऊंगी, छुटकी के हक के पैसे लूंगी और घर वापस। ओके बाय। जिस दिन तू कुछ गड़बड़ ना करने का दावा करती है ना, उस दिन तो तू कोई गड़बड़ जरूर करती है। ना जाने किसकी शामत आई है आज।